नमस्कार, दिल्ली मेट्रो इन से आप लचिन में आपका स्वागत है। ये नजर डालेंगे उसकी ताजा तरीन खबरों पर। आरएसएस ने गरीबी को बताया दारू जैसी चुनौती, आय में असमानता और बेरोजगारी पर जताई चिंता। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसवाले ने कहा कि गरीबी के दानों को मारना जरूरी है। 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जो बेहद ही दुखद है। कम हुआ कोरोना संक्रमण, 24 घंटे में 4000 से भी कम आए नए केस, एक्टिव मामले भी 40000 से कम। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है, हालांकि मामले पहले से काफ़ी कम हुए। एक समय में कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी थी, अब दुनिया में इसके मामले आने कम हो चुके हैं, जो राहत की बात है। वायुसेना को मिला देश का पहला स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा की कैबिनेट कमेटी ने मार्च 2022 में 15 स्वदेशी लाइट अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने को मंजूरी दी थी। 3387 करोड़ में ये हेलीकॉप्टर एचएएल से खरीदे गए हैं। हैदराबाद को दहलाने की साजिश के आरोप में लश्कर के 3 आतंकी गिरफ्तार। आईएसआई के इशारे पर रच रहा था ये प्लान। हैदराबाद पुलिस ने आईएसआई के इशारे पर शहर में आतंकी हमला करने की योजना बनाने वाले 3 शख्स को गिरफ्तार किया। मुंबई डीआरआई ने बरामद किया 2,36,00,000 रुपए का ड्रग। हैदराबाद से पकड़ा गया अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का मास्टरमाइंड। पंजाबी सिंगर अल्फाज पर जानलेवा हमला करने वाला शख्स हिरासत में। हरियाणा के पंचकुला से पकड़ा गया आरोपी विक्की। घायल पंजाबी सिंगर अल्फाज को फिलहाल मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। मंच पर अभिनय जलते दुर्गा पंडाल और चारों तरफ चीख पुकार। भदोही लक्षा गृह कांड ने पलभर में तहस नहस कर दिया। दुर्गा पूजा के दौरान दर्शन करने पहुंचे लोगों ने मंच पर चल रहे नाटक का आनंद उठाना शुरू ही किया था कि अचानक देखते ही देखते लोग आग की चपेट में आ गए। अगली खबर कनाडा से। भारत ने की भगवत गीता पार्क में तोड़फोड़ की कड़ी निंदा, बताया हेट क्राइम जांच के साथ कार्रवाई की मांग की। ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने एक ट्वीट में कहा कि हम ब्रैम्पटन में श्री भगवत गीता पार्क में हेट क्राइम की निंदा करते हैं और कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। गुरुग्राम में पुरानी इमारत तोड़ रहे मजदूरों पर गिरी दीवार, एक की मौत, 3 मलबे में दबे। चीन जा रहे ईरान के विमान में बम की खबर से अटका, भारत ने नहीं दी लैंडिंग की इजाजत, एजेंसियां अलर्ट पर। भारतीय हवाई क्षेत्र में ईरानी यात्री जेट पर बम की खबर मिली है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की टीम निगरानी में जुट गई। अष्टमी पूजा करने जा रहे एक परिवार के 4 सदस्यों की सागर में मौत, कार को ट्रक ने मारी टक्कर। हरदा का मोहित शुक्ला परिवार रविवार सुबह खुशी खुशी अष्टमी पूजन के लिए पैतृक गांव उन्नाव कार से निकला था। सागर में कार और ट्रक की टक्कर में परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। भारत में एचआईवी परीक्षण होगा सन सेल्फ टेस्टिंग किट से, सिर्फ 20 मिनट में आ जाएगा रिजल्ट। एचआईवी परीक्षण की दिशा में भारत अहम उपलब्धि हासिल करने वाला है। दरअसल विशेषज्ञों ने इसके लिए सेल्फ टेस्टिंग किट तैयार कर ली है, जिसकी वजह से अब इसकी पहचान करना आसान हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में दशहरा मनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुल्लू की प्रसिद्ध रथ यात्रा में होंगे शामिल। कुल्लू का प्रसिद्ध दशहरा विजयादशमी के दिन शुरू होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन बिलासपुर में रैली को संबोधित करेंगे। राकेश टिकैत बोले लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के परिवार को अभी तक नहीं मिला न्याय। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के परिवारों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। इस हिंसा में 8 लोगों की जान चली गई थी। हिजाब को लेकर विरोध किया आग में झुलसा ईरान। महसा अमीनी की मौत पर विरोध प्रदर्शन में 92 लोगों की मौत। हिजाब का विरोध कर रही महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद ईरान में हालत बिल्कुल बदल गई है। इस समय ईरान हिंसा की आग में झुलस रहा है। कम से कम 92 लोगों की मौत हो चुकी है। बम की खबर के बाद भारत के आसमान में मंडराए ईरानी विमान। मंजूरी मिलने पर भी नहीं की लैंडिंग। सुखोई ने भेजा वायुसीमा के बाहर। 19वां ओवर बना सबसे बड़ी मुसीबत। 6 मैचों में भारतीय गेंदबाजों ने लुटा दिए 110 रन। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी T20 में भी भारतीय गेंदबाज को 19वें ओवर में 26 रन पड़े। पिछले कुछ मैचों में टीम इंडिया के गेंदबाज 19वें ओवर में हर बार इसी तरह खराब गेंदबाजी कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा कश्मीर में पहाड़ी और गुर्जरों के समुदाय को लड़वाना चाहती है भाजपा ने पहले हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया और वह गुर्जर एवं पहाड़ियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। भाजपा यहां आज है लेकिन कल नहीं होगी। एक दूसरे के खिलाफ लड़ना बंद किया जाना चाहिए। दिल्ली मेट्रो से आप लचिन में आज के लिए फिलहाल इतने ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़।